गुड मॉर्निंग क्लास यूकेजी बच्चों, आज है आपका मैथ्स का टेस्ट है। और देखिए आप अपना टेस्ट पेपर, तो देखिए बच्चों ये है आपका टेस्ट पेपर जिसमें आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ऊपर से फर्स्ट यूनिट टेस्ट सब्जेक्ट मैथ लिख लीजिएगा और क्लास और अपना नाम लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, जैसा आप पहले से लिखते आ रहे हैं उसी तरह फिल कीजिए आप अपना नाम। और फिर देख लीजिए आप इसमें डेट लिख लेंगे 18 मई। और बच्चों ये पेपर आपका कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो बच्चों आपको पहले क्वेश्चन में 51 से 100 तक काउंटिंग लिखनी है, नंबर्स लिखने हैं। और आप कोशिश कीजिए इन्हें आप साफ साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में 51 to 100 नंबर्स लिखेंगे और ये क्वेश्चन आपका बच्चों 10 मार्क्स का है। फिर देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग नंबर दिए गए हैं जिनमें आपने नंबर्स को फिल करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये 2 नंबर्स है और उसके बीच में खाली बॉक्स दिया गया है। तो आपको उन बॉक्स में, बॉक्स या बीच में स्पेस में नंबर फिल करना है। तो इसमें देखिए पहले में है नंबर 3 और फिर देख लीजिए खाली बॉक्स है और उसके बाद है नंबर 5। तो यहाँ पे 3 और नंबर 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो आपको फिल करना है। फिर दूसरे में देखिए आप 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे वो नंबर फिल करना है। थर्ड में, तीसरे में देखिए आप 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। फोर्थ में 20 और 22 के बीच में। फिफ्थ में 35 और 37 के बीच में। सिक्स्थ में 39 और 41 के बीच में। सेवन्थ में देखिए आप 46 और 48 के यहाँ पे बीच में इन खाली बॉक्स में आपको नंबर फिल करना है। एट्थ नंबर में देखिए आप 52 और 54 के बीच में नंबर फिल करना है। फिर नाइन्थ में देखिए आप 59 और 61 के बीच में आपको नंबर फिल करना है। फिर है टेंथ में देखिए आप 10वें नंबर में देखिए 74 और 76 में यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में भी इन दोनों जो नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच में सही नंबर फिल करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका बच्चों 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और फिर देखिए आप बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लेटर, थर्ड में देखिए आप काउंट द नंबर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड मैच द न्यूमरल विद द वर्ड्स विच हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे बीच में देखिए ये न्यूमरल्स दिए गए हैं, ये नंबर्स हैं। तो आपको इन वर्ड्स में जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को काउंट करना है और फिर जो यहाँ पे करेक्ट नंबर होगा उन लेटर्स का नंबर है उन्हें यहाँ पे इन न्यूमरल से मैच करना है। तो इसमें देख लीजिए आप पहले में है H E H E H E और ही के राइट साइड देख लीजिए आप VAN वैन लिखा है और बीच में नंबर 8 लिखा है। फिर सेकंड में देखिए आप PAG बैग, बीच में नंबर 6 है और राइट साइड है MEP। थर्ड में देखिए आप DIARY डायरी और यहाँ पे है नंबर 2 और
राइट साइड है काउंटिंग, सी ओ यू एन टी आई एन जी, काउंटिंग। इनमें आपने, इन वर्ड्स में आपने इन लेटर्स को काउंट करना है। फिर फोर्थ में देखिए पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। यहाँ पे नंबर थ्री लिखा है। फिर है राइट साइड है सी एच ए आई आर, चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। और फिफ्थ नंबर पे है जी ओ ओ डी, गुड, एन आई जी एच टी, नाइट। तो यहाँ पे है वर्ड गुड नाइट। इसमें भी आप लेटर्स को काउंट कीजिए अच्छे से। और फिर देखिए इसके यहाँ पे बीच में नंबर फाइव लिखा हुआ है और यहाँ पे राइट साइड लिखा है ई आर ए एस ई आर, इरेजर। तो इस तरह से आप अपने थर्ड क्वेश्चन में इन वर्ड्स के लेटर्स को काउंट करेंगे और फिर इन न्यूमरल, इन नंबर से आप उन्हें मैच करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो आज आप अपना मैथ का पेपर अच्छे से दे लीजिए। ओके बच्चों, गुड लक।